नीचे नीचे माइक पर। हाँ जी, आपकी भैंस चोरी होगी। हाँ जी, वेरी बेस्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह श्री परवतीलाल। कौन सा गांव है? गांव खेड़ा। अच्छा, कैसे क्या हो गया थोड़ा सा बताएं। कितने बजे चोरी हुई? रात को बांध के सोए थे, सुबह 5 बजे उठे जब गेट का ताला बाहर पड़ा था तोड़ के, और भैंस एक भी नहीं। तो क्या घर से दूर बंधी हुई थी या नहीं? घर से बिल्कुल ऐसे आमने सामने, घर के सामने गुआड़ा था, बिल्कुल सामने। लगभग कितने बजे का लगता है मामला आपको? कोई आइडिया नहीं। दो आपने कितने बजे देखे? 1-2 बजे के आसपास। 11 बजे तक तो मैं जग रहा था जी। सुबह कितने बजे पता चला? सुबह 5 बजे घरवाली दूध निकालने गई जब गेट का ताला बाहर पड़ा था, गेट खुला। तो आप वहीं सोते हो या वहीं सामने? कितने पशु थे आपके? 3 थे। 3 भैंसे थी? 3 भैंसे थी। ताजा, एक तो कल ही लाया था। कल कितने की लेके? 5:30 बजे लाया था। 84,000 रुपये। कहाँ से लाए थे? रसूलपुर से। रसूलपुर। अच्छा, उन तीनों के बच्चे भी थे फिर वहाँ? हाँ, 2 के बच्चे थे, एक का नहीं था। तो फिर अभी थाने में पहुँचे हैं, तो एप्लीकेशन वगैरह FIR वगैरह हो चुकी? FIR तो हो चुकी। क्या फिर आश्वासन मिला है पुलिस से? पुलिस से आश्वासन ये मिला है कि आप तसल्ली रखो, आपके जानवर लद देंगे। आप ऐसा तो से मिले हो, किससे मिले हो? ऐसा तो से मिले। अच्छा, तो क्या ये जो एक्सपर्ट की जो बात हो रही है, एक्सपर्ट कहाँ भेज दिया है? एक्सपर्ट जहाँ वो सीसी कैमरा मतलब गुआनिया भेजा है। किस चीज़ का एक्सपर्ट भेजा है? फुटेज देखेंगे। CCTV फुटेज के लिए एक्सपर्ट भेजा है। सरपंच साहब, आप भी बताइए, आपके गांव के सरपंच हैं तो गांव में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनमें भी कुछ आपने पूछताछ भी की होगी, किस प्रकार के लोग आपने शायद CCTV फुटेज में कोई नज़र आया हो, किसी ने दिखाया हो, कोई पता चला हो, तो इस बारे में बताएं। देखो, पुलिस की इंक्वायरी में टाटा 407 जो है वो आई है, और वहाँ SP साहब से यहाँ बात भी की है हमारे सामने SHO ने, तो SP साहब ने मेवात भी एक टीम भेजी है। लेकिन फिर भी हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि देखो, आज किसान के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए एक पशुधन ही है, और इस गरीब किसान की हालात आज क्या हो सकती है ये हम और आप सब जानते हैं। हम किसान परिवार से हैं, हर आदमी आज कृषि से और पशुधन से ही अपना परिवार चलाता है, अपने बच्चे पढ़ाता है। तो जिस तरीके से किसी परिवार में मौत हो जाती है, वैसा मातम आज इन परिवारों में छाया हुआ है। लेकिन प्रशासन की तरफ से फिलहाल हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, और एक्सपर्ट टीम वहाँ भेजी भी गई है, सारे इलाके के CCTV फुटेज ली जा रही हैं, और इन्होंने कहा है कि जल्दी आपकी भैंस से हम किसी भी सूरत में हम चोरों तक पहुँचेंगे। क्या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है? कोई नया आदमी गांव में देखने को आया हो, गांव में आपने किसी से पूछा भी होगा? नहीं, हमने खर गांव में ये भी पता किया है, लेकिन गांव का तो कोई इन्वॉल्व ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तहकीकात में जो भी होगा वो तो साक्ष्य पुलिस जुटाएगी कि किस आदमी का कैसा इन्वॉल्व इस चीज़ में हुआ है। अपने ही गांव में हुई, आसपास कहीं और भी चोरी हुई? एक तो खेड़ा और एक सुरजनवास, 2 गांवों में हुई है, तो दोनों पड़ोसी गांव हैं, इनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। खेड़ा से कितने पशु चोरी हुए हैं? खेड़ा से 3 पशु हैं, और 2 उनके पीछे कटड़ी हैं, और सुरजनवास से 1 पशु है, भैंस, और उसके पीछे 1 कटड़ी। तो कुल मिलाकर 7 पशुओं की चोरी हुई है? 7 पशु चोरी हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, बाहर के चोर हैं? किस प्रकार से कोई गाड़ी के खोज वगैरह देखे गए हों? गाड़ी 500 मीटर गांव से आगे गाड़ी के तो खोज हैं जिसमें बैठाई गई है, लेकिन जब तक CCTV फुटेज में ये क्लियर ना हो जाए तब तक ये कहना तो मुमकिन नहीं है कि कौन से साधन में और कौन चोर थे। 500 मीटर तो पैदल ले गए। जी, क्या कह रहे थे? 500 मीटर तो पैदल ले गए अपने घर से। मेरे घर से 500 मीटर था, और वहाँ टाटा के चोड़े टायर। क्या तो पता चला आपको, कैसे पता चला अभी 500 मीटर पैदल लेके गए? 500 मीटर लगता है मेरे घर से, और वो पैरों के निशान गए ना, जो छोटा पार्टूर था वो खींच के खुर का निशान हो रहा है। अच्छा, खुर के निशान से आपको पता चला कि यहाँ से भैंस के छोटा पार्टूर था 10 दिन वाला, वो तो मेरे आंगन में भी टाइल है, वहाँ भी खींच के ले गए, वहाँ भी गैस रखे है जी। तो इससे कुछ पता चल रहा है कि कोई जानकार आदमी इस मामले में संलिप्त मिलेगा? और मोस्टली चोरी होती है जब तक, हाँ जी, जानकार गांव का कोई भी हो, बाकी जानकार जरूर है। नहीं, यूपी से चोर आए हैं, उनको डायरेक्ट क्या पता कि भाई यहाँ 3 भैंस बंधी है। गांव का आदमी जरूर मिलेगा 101%। हम कहीं के भी है अदरवाइज, बाकी गांव का आदमी एक जरूर मिलेगा।
100% चैलेंज है ये चोरियों को रोकने के लिए। तो आप गांव में किस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे, इस बारे में क्या विचार है? ऐसा है, सर्दी का जब मौसम होता है तो ऑटोमेटिक ही हर गांव में टिकरी पहरा भी लगाया जाता है, लेकिन अब गर्मी जैसे ही शुरू ही हुई है तो लोगों ने टिकरी पहरा भी बंद कर रखा है। दूसरा, गांव में हम जागरूकता भी करेंगे, लोगों से भी विशेष आग्रह करेंगे कि इस तरीके की चोरियां भविष्य में आगे ना हो, तो उसके लिए फिर से टिकरी पहरा के लिए हम गांव की एक टीम में बनाकर हर रोज टिकरी पहरा फिर से लगवाएं। बाकी पुलिस भी अपनी तरफ से जहां भी टिकरी पहरा लग रहे हैं उनकी देख के कि वो समय के अनुसार टिकरी पहरा रात को दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, तो पुलिस भी थोड़ी सख्त होगी तभी टिकरी पहरा कामयाब होगा। आएगा जी, PCR का चक्कर भी होना चाहिए पुलिस का भी। तो आप PCR की पेट्रोलिंग की मांग करते हैं? हाँ, होना चाहिए। पुलिस गांव में तो पहुँच 12-1 बजे के बाद कम से कम एक राउंड तो मार देना चाहिए। नहीं, पुलिस आपके गांव आपके पास, आपने पुलिस को कितने बजे सूचना दी? पुलिस आपके पास कब पहुंची? सुबह 6 बजे सूचना दी थी। किस पे? SHO के पास फोन किया या 112 पे फोन किया? पुलिस कितनी देर में पुलिस पहुंच गई? पुलिस आ गई जी, तो 15 से 20 मिनट। और उसके बाद जो भैलगढ़ की पुलिस है वो आ गई, पहले PCR वाले आए थे फिर बाद में भैलगढ़ साड़ी पुलिस आ गई। हाँ।